समाज सेवी एवं महिला हितैषी अंजना जायसवाल की ओर से समस्त जिले वासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही बाहर से आने वाले फलों के दामों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जिले के चिल्लर व्यापारियों द्वारा मजबूरन फलों की कीमत में अचानक वृद्धि करना पड़ा है। चूंकि अभी नवरात्र का समय चल रहा है और अधिकांश लोग फलाहार व पूजा पाठ के लिए फलों की खरीदारी करते हैं, ऐसे में फलों की कीमत में वृद्धि होने की वजह से ग्राहकों को पहले की अपेक्षा अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा है। ऐसे में मध्यम व गरीब तबके के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही फलों के मूल्यों में वृद्धि होने से चिल्लर व्यापारियों की बिक्री कम हो गई है। केला का रेट बढ़ चुका है, क्या रेट में हम लोग बेचेंगे इसको? अस्सी का भी रेट बढ़ चुका है, उसको भी क्या रेट बेचे? बोलते हैं 80 बताते हैं तो ग्राहक लोग बोलते हैं 60 लगा, 40 लगा, कौन सा रेट में हम लोग बेचेंगे आप ही बताओ। नवरात्रि के चलते हुए प्याज 80 रुपये बिक रहा था, वो 100-120 बिक रहा है अभी, और केले 30-40 बिक रहा था, वो 50-40 बिक रहा है।